गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अपने घर पे व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं दिल्ली की तरह आज फिर सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं फिलहाल मनीष के घर। पान पेट्रोल पंप का ट्रक देखो कैसे धस गया आज। ये बरोना गांव है, बरोना गांव में फंसा ये देखो। अच्छा देखते हैं क्या होगा। ये देखो ये बरोना गांव का रोड है, ये रोड जिंदगी में भी नहीं बन सकता। क्या साल हो गए रोड ने मनंती आने। अरे यहाँ के आदमी बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे आदमी है ना यहाँ के। गाइस फाइनली दिल्ली की तरह शाम के बज चुके 5:30। तो मैं और विकास निकल चुके कंपनी से घर की तरफ। तो ये देखो बिल्कुल बाढ़ आ रखी है, बिल्कुल यार पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली बारिश आ जा रही है देखो, और दिल्ली में तो पूरी में बाढ़ आ रखी है। आपको दिखाते हैं एक एक्सीडेंट, ये देखो इधर सामने कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। ट्रक के टायर देखो कैसे हवा में हो रखे हैं। देखो एक्सीडेंट, ड्राइवर को बहुत सारी चोट लगी थी इसमें। क्यों कर में क्या हो गया अंकल, क्यों कर पलटे आयो। अच्छा ठीक है अंकल, चोट तो ना लगी क्या क्या। अच्छा ठीक है। तो गाइस इसका पलट गया था, सामने से कार वाला आ रहा था भगा के स्पीड में, तो अंकल ने उसको बचाने के चक्कर में तो साइड में ले ली। तो गाड़ी थी फुल लोड, लोड गाड़ी होने के कारण पलट गई। तो इसमें चोट वगैरह किसी को लगी नहीं, सब ठीक है। गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर डीजल डलवाते हैं, उसके बाद मनीष को लेने चलेंगे लडरावन। मनीष लडरावन आ गया था, गाड़ी ठीक करवाने गया था, तो उसको वहां से पिक करेंगे और फिर चलेंगे घर। ये देखो यहां डल रहा अपना डीजल, डीजल वगैरह डलवा लिया गाड़ी के अंदर, अभी निकलते हैं। चलो जल्दी से, लेट हो चुके हैं आज। 5:51 तो इधर ही होगी, हमें 6 बजे तक हम घर पहुँच जाते थे। तो पर आज इस मनीष की वजह से थोड़े बहुत लेट हो रखे हैं। चलो कोई नहीं, मनीष अपना भाई है। चुके हैं जहाँ मनीष ने अपनी डेस्टिनेशन बताई थी, वहाँ पे पहुँच गए हैं। पर अभी तक यहाँ पर भैंस आई नहीं है, ये और तो भैंस नहा के निकल रही है, पर पता नहीं हमारे वाली कहाँ है। मेरे ख्याल से तो पीछे आ रहा है, हमें यहाँ पे 10 मिनट से खड़ा करके खुद आ रहा है। देखो उधर से रुको रुको, अभी दिखेगा, ये दिख रहे हैं ना दो आदमी, इनके पीछे आ रहा है।
बढ़िया लग गया तने मनीष ने मारी गला ऐसा करा हैं क्या कर कोई इलाज है बनी कोई इलाज नहीं है ना इसको हमें बता तो देना चाहिए था ना मैं उधर पीछे खड़ा हूँ तो हम पीछे से ले आते उसको इसको भी पर मजे लेने ना हमारे साथ स्वाद आते हैं इसको मनीष को भी कर लिया पिक के तो अभी चलते हैं घर किधर गया था मनीष मैं गया था नागपुर क्या करके आया उनकी ग्लासर की गाड़ी रिपेयर करवाने लाया होगी क्या दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा टेंट का काम था अच्छा और साइड मिरर टूटा हुआ था अच्छा साइड मिरर भी चेंज हो गया वही रिपेयर करवा दिया अच्छा शाम के बज चुके हैं 6:30 तो मैं घर आ चुका हूँ कंपनी से तो आपको जैसा पता है गीता मौसी की मशीन खराब हो रखी है तो उसका कुछ पार्ट आएगा तो उसको लेने चलते हैं भवाना तो उसको लेके आके मशीन में फिट करेंगे और मशीन को कर देंगे बिल्कुल ओके तो चलो निकलते हैं भवाना की तरफ तो गाइस भवाना चले गए थे भवाना दुकान पे जाने के बाद पता चला हमें ये खोल के लेके जाना था तो भवाना से वापिस आ गए अभी से खोलते हैं एक पार्ट तो खोल लिया है अब इसका दूसरा पार्ट खोलते हैं इसको पूरे को ये है ना जो ये खराब हो गया इसको पूरे को खोल कर लेके जाना पड़ेगा अभी इसे जल्दी से खोल लेते हैं चलते हैं भवाना फिर 8 बजे तक दुकान खुलेगी तो गाइस बड़ी मशक्कर के बाद हमने खोल दिया गियर बॉक्स आपको दिखाते हैं ये रहा देखो इसको खोलने में हालत खराब होगी बिल्कुल इसमें यार ये एक ये उधर वाला लास्ट वाला नट है ना ये देखो ये इसमें 6 नट है तो ये उधर वाला दिख रहा है ना जो लास्ट में जो आपको सामने दिख रहा है इस वाले नट को खोलने में हालत खराब होगी बिल्कुल तो एक तो इसका ये आएगा गियर बॉक्स और इसकी ये इधर वाली सील वगैरह भी आएगी ये सील भी कट चुकी है इसकी तो ये सील भी आएगी साथ में गियर बॉक्स और इसका ये इसके ऊपर का एक कवर होता है वो कवर भी नया लेके आना पड़ेगा तो अब तो बज चुके हैं 8 बजने वाले हैं तो अब तो फिलहाल दुकान बंद होगी तो कल रौनक चला जाएगा तो ले आएगा तो कंपनी से आने के बाद इसको डाल देंगे तो एक बार इसकी सील और निकाल देते हैं तो ये हमने इसकी सील भी निकाल ली एक ये सील भी नहीं आएगी तो चलो इन्हें रख के चलते हैं घर हाथ वगैरह धोते हैं मौसी देख या सील या ये तो कटी है जब हाँ। पता था बेटा पानी गया एक या सील हाँ। वो गियर बॉक्स लेने तीन ठाक है ले ठाक पन्नी मंगा ले एक दे गियर बॉक्स दे एक है कि वो गियर बॉक्स अच्छा ठीक है दे में पानी हाँ। आ गया एक यो गियर बॉक्स और एक इसकी अग्रारी ले ले या भी दूसरी आ गई हां एक या अग्रारी अच्छा इसमें सेट हो आया होगा यो या सील है इसमें लगेगी इस गरारी में गल्लांग रहा सील अच्छा। या यो पूरा सेट आओगा इसका या गरारी लगाओगे हैं तो ये लिए ये इसके ऊपर का कवर भी लिए ये यो लेके जाना पड़ेगा इसके ऊपर का कवर भी लिए ये लेके जाना पड़ेगा ले जाइए इसने भी ले जाइए ठीक है तो ये सब लिए ये तो कल कंपनी से आके डाल देंगे इसको क्योंकि अभी तो जाने का फायदा है नहीं जाएंगे तो दुकान बंद मिलेगी क्या फायदा 10 किलोमीटर तो कल हो जाएगी ठीक एक दिन और कपड़ा धुलने की टाल मारेंगे अभी धुल लेते हैं हाथ वगैरह देखो कितने गंदे हो गए हैं तो फिर उसके बाद चलेंगे घर तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ घर घेर में से पसीने वगैरह रखे थे तो सुखा लिए अभी खाना वगैरह खाते हैं तो खाना वगैरह खाने के बाद करेंगे ब्लॉग को एडिट तो मशीन तो कल ही ठीक हो पाएगी क्योंकि जो गियर बक्सा था ना आपको पता है वो 8 बजे तक दुकान खुलती थी तो अभी 8 बजे तक तो खुला ही था तो इसलिए उसको कल रौनक ले आएगा और शाम को कंपनी से आने के बाद उसको जोड़ देंगे और मशीन को चला देंगे फिर परसों मौसी कपड़े धुलेगी अभी खाना वगैरह खाते हैं खाना वगैरह खाने के बाद करेंगे व्लॉग को एडिट तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर